हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आईबीपीएस पीओ मेंस के रिजल्ट के बाद तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसका स्कोर कार्ड कब आता है। तो आपने जब रिजल्ट चेक किया होगा तो उसमें लिखा था विद इन 7 डेज। तो गाइस, रिजल्ट आया था आपका 5 तारीख को और आज हो गए 11 दिन, मतलब 11 तारीख गाइस, ठीक है। तो आज आपके दिन हो गए 6 दिन। जो पॉसिबिलिटी है ना गाइस, वो या तो आज आएगा, क्योंकि जो आईबीपीएस का सबसे फेवरेट डेज माना जाता है ना, वो होता है वेनेसडे और फ्राइडे गाइस। तो पॉसिबिलिटी ये है आपका आज, वरना कल या परसों में। तो आप देखो, पॉसिबिलिटी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही आ जाएगा, बट क्या पता कि हमारा कल भी आ सकता है गाइस। तो इन 2 दिनों में आपका आ जाएगा। अब ये स्कोर कार्ड उन बच्चों का है जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ गाइस, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उनका जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो आएगा इंटरव्यू के बाद। जो इंटरव्यू पास हो जाएंगे या इंटरव्यू अगर उनका कुछ भी होता है उसके बाद आपका वो रिजल्ट, उनका स्कोर कार्ड वहां पे देखने को मिलेगा गाइस। अब जो बच्चे फेल हो चुके हैं आईपीएस पीओ मेंस में, उनका टारगेट क्या है अब एसबीआई क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ मेंस गाइस। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से उस पर ध्यान दो और जो जो आपके अटेम्प्ट थे आईबीपीएस पीओ मेंस में वो जरूर मुझे बताना विद आपके अटेम्प्ट्स और हर सब्जेक्ट में आप अपने अपने अटेम्प्ट्स बताना गाइस, ठीक है। बाकी अपना फोकस एसबीआई पे रख के चलो गाइस। देखो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जिनका एसबीपीएस पीओ मेंस हो चुका उनके लिए भी है और जिनका नहीं हुआ उनका एसबीआई और एसबीआई पीओ मेंस क्लर्क को दोनों उनका टारगेट होगा गाइस, ठीक है। तो यही चीज के साथ मैं आपको वीडियो एंड करूंगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टा मैसेज कर देना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।